ने दलिते रहा ने भूमियारे रहा बीचे में अटक गया। मुख्यमंत्री करीबे लोग ने दारू पी रहा है, दारू के बोतल है कि दोसर लोग के है, रमबरिक सदा के है। मुख्यमंत्री करीबी अशोक चौधरी उसके आगे में दारू का बोतल रखा हुआ है। ललन सिंह उसके ऊपर भी इन्होंने शराब का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री जी करीबी विजय कुमार चौधरी उसके ऊपर भी आरोप लगाया है। संजय झा के ऊपर भी आरोप लगाया है। और उस आरोप को अशोक चौधरी दारू के बोतल दिखाते हुए सिद्ध कर दिया। और खाली बोतल भी किसी के घर में पकड़ाएगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, अशोक चौधरी जी के सामने भरा हुआ बोतल है, क्या आप उसे जेल भेजेंगे? क्या आप उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करेंगे? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी यह बात सही है कि आपके बगल में जो लोग है वह शराब कारोबारी है, शराब बेचता है, अब बेचवाता है और पीता है, ऐसा आपका मंत्री कहना है? और जो मंत्री यह आरोप लगाया है उसी मंत्री का फोटो वायरल हुआ है। एक तरफ आप शराब बंदी आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है और एक तरफ आपका मंत्री बोतल के साथ जो है मौज कर रहा है। यह बिहार के आम आवाम देख रहा है। होटल के आगे बोतल रखा हुआ है। ये अशोक चौधरी जी का पहचान है, यह बिहार के मंत्री का पहचान है, यह बिहार के सरकार के पहचान है कि जो मुख्यमंत्री जी के अगल बगल में रहते हैं वही शराब कारोबारी है। तब पासी इसको पासी नहीं समझता है तो दोसर दलित के ही क्या बात करता है। ये खुद दलित है, बेटी के ब्याह करेगा भूमिहार भाई में दलित के। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज, ब्रजेश कुमार के साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नशा के विरोध में है, शराब बिहार में बंद है, लेकिन उन्हीं के मंत्री का एक जो है फोटो वायरल होता है। हमारे साथ बात करने के लिए रामबीर सदा जी हैं, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों के न्यूज के माध्यम से हमको पता चला है और देखे भी हैं कि दुबई में शायद अशोक चौधरी जी होटल में बैठे हुए हैं और आगे में होटल के आगे में बोतल रखा हुआ है। ये अशोक चौधरी जी का पहचान है, यह बिहार के मंत्री का पहचान है, यह बिहार के सरकार के पहचान है। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी कानून बनाते हैं कि अगर खाली बोतल भी किसी के घर में पकड़ाएगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, अशोक चौधरी जी के सामने भरा हुआ बोतल है, क्या आप उसे जेल भेजेंगे? क्या आप उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करेंगे? आप जांच कीजिए। और आपका मंत्री अशोक चौधरी जी परसों बयान दिए थे कि जो मुख्यमंत्री जी के अगल बगल में रहते हैं वही शराब कारोबारी हैं। हम पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी के, आपके बगल में ललन सिंह जी रहते हैं, आपके बगल में विजय चौधरी जी रहते हैं, आपके बगल में संजय झा जी रहते हैं और आपके बगल में अशोक चौधरी जी भी रहते हैं, तो यह जिन लोगों पर आरोप लगाया, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी यह बात सही है कि आपके बगल में जो लोग है वह शराब कारोबारी है, शराब बेचता है, अब बेचवाता है और पीता है, ऐसा आपका मंत्री कहना है? और जो मंत्री यह आरोप लगाया है उसी मंत्री का फोटो वायरल हुआ है, किसी एक होटल में बैठा हुआ है और आगे में शराब का बोतल रखा हुआ है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मांग करते हैं कि उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करते हुए शराब अधिनियम कानून के तहत उनको जेल भेजा जाए। क्या लगता है मुख्यमंत्री जी ऐसे कर पाएंगे या मुख्यमंत्री जी की छवि धूमिल का? अगर मुख्यमंत्री जी में इच्छा शक्ति होगा तो ऐसे मुख्यमंत्री जी करना चाहिए। अशोक चौधरी एक बार ने कयक बेर मुख्यमंत्री जी को छबील धूमिल करने का काम किया है, कयक बार, एक बार ने। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी आप संज्ञान लीजिए और ऐसे ऐसे लोग को आप जेल भेजिए। एक तरफ आप शराबबंदी आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है और एक तरफ आपका मंत्री बोतल के साथ जो है मौज कर रहा है, यह बिहार के आम आवाम देख रहा है। इसलिए कानून सभी के लिए बराबर है। अगर आपको कार्रवाई करना है तो मंत्री पर भी कीजिए और सभी लोग पर कीजिए, लेकिन आप सिर्फ मुसहर पर कार्रवाई करते हैं, मंत्री पर नहीं करते हैं। आप विपक्ष में तो बोल देते हैं कि पूरे सहयोगी जो है उनके साथ में है, जो साथ में रहते हैं विजय चौधरी हो या फिर अशोक चौधरी, मुख्यमंत्री को बहुत करीबी माने जाते हैं। मुख्यमंत्री करीबे लोग ने दारू पी रहा है, दारू के बोतल है कि दोसर लोग के है, रमबरिक सदा के है, तो जो मुख्यमंत्री करीबी है इससे स्पष्ट हो गया। और अशोक चौधरी जी भी आरोप लगाए हैं, मुख्यमंत्री करीबी अशोक चौधरी उसके आगे में दारू का बोतल रखा हुआ है। अशोक चौधरी आरोप लगाए हैं, मुख्यमंत्री करीबी, मुख्यमंत्री जी का करीबी ललन सिंह उसके ऊपर भी इन्होंने शराब का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री जी करीबी विजय कुमार चौधरी उसके ऊपर भी आरोप लगाया है, संजय झा के ऊपर भी आरोप लगाया है। और उस आरोप को अशोक चौधरी दारू के बोतल दिखाते हुए सिद्ध कर दिया कि हम लोग शराब कारोबारी हैं, हम लोग मुख्यमंत्री के साठ गांठ में रह के दूसरे लोग को डराते हैं और हम लोग घर घर शराब पहुंचवाते हैं।
दलित का नेता जो है कहलाते हैं अशोक चौधरी, कहता हम दलित का नेता हूँ। क्या है दलित का नेता अशोक चौधरी? कहिया अशोक चौधरी दलित का नेता हो गया? पिछलगु लोग कहे नेता होता है, जो लोग दोसर के तेल मालिश करने वाला लोग के कभी देखे हैं नेता होते हुए? सबसे पहले ये अपन पासी समाज के नेता बने ना, पासी इसको पासी मानता है। जब पासी इसको पासी नहीं समझता है तो दोसर दलित के ही क्या बात करता है? ये खुद दलित है, बेटी के ब्याह करेगा भूमिहार भाई में आ राग लापेगा दलित के। इन्हें दलिते रहा न भूमिहारे रहा, ये बीचे में अटक गया। आपने सुना किस तरह से जो है रामबीरेश सदा ने साफ तौर पर कह दिया है आम आदमी शराब पिए या फिर मंत्री कार्रवाई होनी चाहिए। तो अभी तक के फिलहाल इतना ही, बने रहे रिपब्लिकन न्यूज पर। धन्यवाद। रिपब्लिकन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहां बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।